तो हर फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में। और इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर अगर आप भी एनिमेटेड टेक्स्ट लिखना चाहते हो और अभी तक आपको ये वाला फीचर नहीं मिला है जिससे कि आप एनिमेटेड टेक्स्ट लिख सकते हो बहुत स्टाइलिश तरीके से, तो अब आपको किस तरीके से एबल करना है। और यार अगर आपको और ज्यादा तरीके चाहिए एनिमेटेड टेक्स्ट लिखने के, तर वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शिव त्रिपाठी और आपका स्वागत है शिव रजनीश यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए काफी ज्यादा स्पीड लेके आता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर एनिमेटेड टेक्स्ट लिखना चाहते हो और अगर अभी तक आपको ये वाला फीचर नहीं मिला है तो यार आपको उसको एबल कैसे करना है वो भी चीज़ बताने पड़ेगा वीडियो के एंड में। तो यार पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है और किस तरीके से आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेटेड टेक्स्ट का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो यार चलिए फटाफट से लेकर चलते हैं। मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो डायरेक्टली आ चुका हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे और इंस्टाग्राम स्टोरी पे आने के बाद यहाँ पे मैंने एक फोटो टैप कर ली है। उसके बाद आपको किस तरीके से एनिमेशन टेक्स्ट यूज़ करना है वो चीज़ बताऊँगा। तो यार आप यहाँ पे ऊपर के साइड में देखोगे तो ए और ए दो जगह आपको ए लिखा दिखाई दे रहा है, जिस पे दो स्टार है उसका क्या यूज़ है और जिस पे दो लाइंस है उसका क्या यूज़ है वो भी चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में। तब वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा यस और यस टैप करने के बाद आप देख सकते हो जो मैं स्टार वाला ए को टैप करता हूँ तो कुछ इस तरीके से इसका 3D लुक चेंज हो जाता है। और यहाँ पे नीचे के साइड आपको जो टेक्स्ट दिए गए आप इनसे टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो उन टेक्स्ट को। और ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक मैं बता दूंगा आपको। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो यार जो ये दूसरा वाला ए पे जो दो लाइन है इसका क्या यूज़ है, तो यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके आगे शिवम रजनीश, यस शिवम रजनीश। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो जब मैं उसको टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे मैंने लिखा है तो यहाँ पे लिरिक्स में लिखा हुआ आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यार इस तरीके से वर्क करता है। और अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो यार आपको करना क्या है, आप पहले सिंपली से आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है और अपडेट करोगे तो यार ये आपका फीचर आ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है। तो यार इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट दिए गए हैं और अगर आपको नहीं दिए गए तो आप यहाँ पे नीचे रेडमी का अगर आपको फ़ोन है तो यहाँ पे आप टी वाले ऑप्शन पे जाओगे, कीबोर्ड में टी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर टैप करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कीबोर्ड जो कि आपको एनिमेशन टेक्स्ट है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ भी करके आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ये वाला, तो यूज़ करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जो कि हमारा राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखाई देने वाली है। तो यार यहाँ पे देख सकते हो मैंने हेलो फ्रेंड्स लिखा। इस तरीके का यहाँ पे एनिमेशन टेक्स्ट कोई नहीं है इंस्टाग्राम के अंदर, बट ये हमारा रेडमी मोबाइल के अंदर है तो इसलिए हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको। नीचे से देख सकते हो आप मोटा हो रहा है और पतले हो रहे हैं हमारे जो वर्ड्स जो हैं वो इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और एनिमेशन टेक्स्ट तो हम लगा ही सकते हैं सिंपली से, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और जब आप इस तरीके की स्टोरी लगाओगे अपने इंस्टाग्राम पे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा DM आने वाले हैं कि यार भाई आप ये किस तरीके से लगा रहे हो हमको भी बताओ। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। बट आप यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ दूसरा टेक्स्ट यूज़ करके। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि मैं किस तरीके से आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आपको इसी तरीके से यूज़ करना है और आप काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर। इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड टेक्स्ट लिख सकते हो। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ये वाला फीचर देखने के लिए नहीं मिल रहा है जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ करके दिखाया, जिससे कि आपका जो कि टेक्स्ट था वो बार बार लिरिक्स में आ रहा था लिखा हुआ, तो अगर आपको ये वाला फीचर नहीं मिला तो आपको किस तरीके से एनेबल करना है, तो उसके लिए आपको चले जाना है सिंपली से अपनी सेटिंग पे। आपको फ़ोन की जो सेटिंग होती है इंस्टाग्राम स्टोरी पे जब जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टोरी का एक फीचर देखने के लिए मिलेगा, तो उस पे आपको चले जाना है। उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जहाँ पे आपको एनिमेशन टेक्स्ट वाला जो कि फीचर है वो देखने के लिए नहीं मिला, यार आपको उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको आगे क्या करना है चलिए मैं बता दूँगा। तो यार फटाफट से चले जाना है आपको सेटिंग पे, और सेटिंग पे जैसे यहाँ पे आप टैप करते हो तो नीचे की साइड आपको एक हेल्प का देखने के लिए मिल जाएगा, तो हेल्प पे आपको यहाँ पे टैप करना है। उसके बाद आपको रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे चले जाना है। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे जाने के बाद आपको टैप करना है रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना क्या है, टेक्स्ट में आपको जो बताऊंगा वही लिखना है सेम टू सेम। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ, एनिमेशन टेक्स्ट इज नॉट कमिंग इन माई इंस्टाग्राम स्टोरी, प्लीज चेक योर सिस्टम। तो यार आपको ये सेम टू सेम यही लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। और आपको यहाँ पे एक फोटो भी दे देनी है, स्क्रीनशॉट जो आपने लिया था वो आपको यहाँ पे दे देना है, तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे तो आ रहा है। तो यार आपको सिंपली से सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है।
11 से 12 दिन के बाद आपका जो कि एडमिशन वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको सॉल्व नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आता कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।